हाय गाइस, वेलकम टू डिशेस हब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों की खास रेसिपी, बेसन के लड्डू। ये सर्दियों में हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हमें ठंड लगने से बचाते हैं, सर्दी जुकाम इसे खाने से हमारे पास भी नहीं आते। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करें। ये इन्ग्रीडियंट्स नोट कीजिए इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ी सी कढ़ाई, क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं। उसमें डाल देते हैं हम देसी घी। देसी घी डालने पर उससे हम मेल्ट कर लेते हैं, और इसे मेल्ट करने के बाद इसमें हम डाल देते हैं बेसन। तो इसको हमने मीडियम आंच पर सेकना है, इसको पकाना है मीडियम आंच पर, ज़्यादा हाई नहीं, ज़्यादा लो भी नहीं। हाई करोगे तो जल जाएगा, अगर लो रखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पर आप इसको कंटिन्यू इसको चलाते रहिए और इसको अच्छा सा रोस्ट कर लीजिए। इसको आपको कितना ब्राउन रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रोस्टेड चाहिए। तो इसको हिलाते रहिए, अभी ये गाढ़ा सा दिख रहा है, बेसन ने जो ऑयल है वो पी लिया, पर धीरे धीरे ये पतला हो जाएगा, ऑयल जो है वो रिलीज़ होने लग जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसे ही आपने मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है, इसको रोस्ट करते रहना है मैक्सिमम 10 मिनट्स। तो ये मैंने ली है खसखस, बहुत ही हेल्दी होती है, इजीली मार्केट में मिल जाती है, इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो मैंने खसखस को पीस लिया है और ये भी रोस्ट हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा कलर चेंज हो गया है। अभी हम इसमें डाल देते हैं खसखस, जिसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और इसको हम चलाते हुए साथ साथ में डाल देंगे। ये भी बहुत ही हेल्दी होती है, हमें ठंड में हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसको हमने मिक्स कर दिया और इसको भी हम इसके साथ ही भून लेंगे। तो इस तरह से इसे चलाते रहिए। मैं इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ये छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ, ताकि उनको इसे खाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं सारा ड्राई फ्रूट बिल्कुल महीन पीस के इसमें डालूंगी। तो अभी गैस को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। आपको इसको कितना ब्राउन रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रोस्टेड पसंद है। मुझे ये अभी बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, देखिए ऑयल भी अच्छे से रिलीज़ हो चुका है और ये अच्छा से भुन गया है। थोड़ा येलो कलर रखेंगे, क्योंकि बच्चों को एक्स्ट्रा रोस्टेड नहीं पसंद होता है, इसलिए इतना ही रोस्टेड रखूंगी मैं, हल्का सा ब्राउन, हल्का सा गोल्डन। तो मैंने ये बादाम लिए हैं और मैंने लिए हैं ये काजू टुकड़ा, इनको हम बिल्कुल महीन पाउडर पीस लेंगे, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, वो मोटे मोटे काजू बादाम नहीं खा पाते हैं, छोटे बेबीज़ भी खा सकती हैं, इसीलिए मैं इनको महीन पीस रही हूँ। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं जो हमने ड्राई फ्रूट पीस लिया है, वो हम इसमें डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट आप कौन कौन से डालना चाहते हैं, आप मखाने भी इसमें पीस के डाल सकते हो, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप इसमें अच्छे से पीस के डाल दीजिए। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप उनको दरदरा भी रख सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये ड्राई फ्रूट है, अब ये थोड़ा सा ऑयल जो है वो पी लेगा, और ये जो हमारा पिन्नी का ये जो मटेरियल है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा दरदरा भी हो गया है, जैसे बाज़ार में पिन्नियाँ मिलती हैं ना, बिल्कुल वैसा टेक्सचर हो गया है इसका, तो थोड़ा थिक हो गया, देखिए हिलाने में भी टफ है, और ये ठंडा भी हो गया है अच्छी तरह से। ध्यान रखिएगा, ठंडा होने पे ही आपने चीनी डालनी है, अगर आपने गर्म मटेरियल में ही आपने चीनी डाल दी तो वो पानी छोड़ देगी और वो हलवा सा बन जाएगा, इसलिए बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही चीनी ऐड कीजिएगा। और इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। इनका सारा मेजरमेंट मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, आप सारा मेजरमेंट वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसको अच्छी से आप मिक्स कर दीजिए, ये बिल्कुल लड्डू का मटेरियल बिल्कुल ठंडा हो चुका है और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है, और ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी हाथों में आप थोड़ा सा इस तरह से लीजिए और इसको राउंडल शेप दीजिए, एक हैंड से आपसे नहीं हो पा रहा तो आप दोनों हैंड से ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी है, ऐसे घुमाते रहिए और इसको लड्डू की शेप दे दीजिए। देखिए बहुत ही टेस्टी बने हैं, सुपर हेल्दी हैं, 8 महीने के बच्चे से लेकर बड़ों तक इसे कोई भी खा सकता है। सर्दियों में ये सबके लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, ठंड लगने से हमें बचाते हैं और ये बहुत डिलीशियस होते हैं, बच्चों का पेट भी भर जाता है इसे खाने से, और सर्दी जुकाम से भी बचते हैं। और देखिए बनाने भी बहुत आसान है, मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है, तो कम से कम 1 महीने तक इसे बच्चे बहुत ही ईजीली खा सकते हैं, और आप इसे स्टोर करके किसी भी डिब्बे में रख दीजिए, सर्दियों में तो ख़राब होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, फ्रिज में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतनी आसान सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है।